सिंह द्वार पे जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग ये सारे विभागों द्वारा आए दिन मनमानी तरीके से लोगों को चालान किया जा रहा है, आम जनता को ये परेशान करने काम किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि रथतरा चौराहे पे जब आप जानते हैं कि ये नियम कानून बना है तो आप उधर से आने क्यों दिया जा रहा है? आप वहाँ से एक रास्ता खोल दिया गया है और पीछे से मोबाइल लेके खड़ा हो गए हैं लोग, ट्रैफिक पुलिस के लोग। अब पीछे जैसे ही आप जाएंगे आपको चलान, अगर आपको वो चलान नहीं काटना है तो आप वो रास्ता वहाँ बंद कर दीजिए ना। आप जानते हैं नो एंट्री है तो वहाँ से फिर जनता क्यों जाने दिया जा रहा है? और दूसरी बात, आप शहरों के लिए एक नया नियम है, हाई कोर्ट का आदेश है कि हेलमेट शहर के अंदर लागू नहीं किया गया है और आप ये हाईवे के लिए लागू किया गया, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन के लोग जबरी धन उगाही करने काम कर रहे हैं, जिनसे आम जनता में आक्रोश की भाई स्थिति है। अब ये तो हम लोगों की शुरुआत है, अगर ये लोग इसी तरह मनमानी करते रहे तो इससे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अभी तो ये हम लोग धरने के माध्यम से, एक चेतावनी के माध्यम से मानव श्रृंखला बना के बताने काम किया गया साथियों कि अगर आप ये बात हम लोग की अभी आगे तक नहीं पहुंची और इस पर रोकथाम नहीं हुआ तो इससे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इसके बाद फिर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगा कि ये रोक नहीं पाएंगे हम लोगों को। अभी हम लोगों को आप शांति देखे हैं, आक्रोश नहीं देखे हैं। अगर आक्रोश में हम लोग आते हैं तो पूरी जनता, पूरे प्रदेश देश की जनता इस नियम से पूरे परेशान है और इसलिए आप देख लीजिए बंगाल से लेके मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं होने दिया जा रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमेशा लागू।